जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ 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 रक्ष माम जगन्नाथ रक्ष माम जगन्नाथ पाहि माम जगन्नाथ 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 पाहि माम जगन्नाथ जगन्नाथ धन्य धन्य जगन्नाथ धन्य तुमर अपूर्व लीला स्थाने स्थाने अंचले अंचले महाप्रभु निजर संस्कृतिर सुंदर विस्तार करी विराजमान होइचंती सुकिंदागढ़ राज प्रतिष्ठित ये अपूर्व देउळ इतिहासकार मानंकर व्याख्या अनुजाई प्राय 400 वर्षरु ऊर्ध काल ए अंचल रे विराजमान कलेणी आसंतु आज सुकिंदागढ़ राजबाटीर ए जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ को दर्शन करिबा आहा केड़े सुंदर अधा गड़ा दियो कोला ठाकुर आहा केड़े सुंदर तुलसी दयणा माण मस्तके मयूर चूल तुलसी दयणा माण मस्तके मयूर चूल रूप संभार हो भगते दर्शन करंतु सुकिंदागढ़ रे महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकर अपूर्व विजय लीला चतुर्धा मूर्ति सुंदर दिव्य स्वरूप को प्रकट कराई ए क्षेत्र रे लीला करुचंती 1703 मसीहार कथा सेठी रजा थांती श्रीकर भूपति हरिचंदन महापात्र अत्यंत वैष्णव भक्त से जगन्नाथ प्राण तत्कालीन श्रीक्षेत्र गजपति महाराज सहित भाव विनिमय करी महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति ए क्षेत्र रे से अवस्थापित कराइथिले आउ महाप्रभु सेतेबेले बसीथिले चाळ घरे आटू तयारी हेतला से आटू तयारी चाळ घरे महाप्रभु पूजा पाइले 1703 रु 1803 प्राय 100 वर्ष बीती गला आसिले राजा नंदकिशोर भूपति हरिचंदन महापात्र सेतेबेले से विचार कले ठाकुरंग पाई देउलटी तोळेइबा विशेष करी तांकर जे राणी थांती से कुजंगर राजजेमा से कहिले आम कुजंगगढ़ रे ठाकुरंकर जेमिति मंदिर हेछि सेही शैली रे इठि मध्य मंदिर करिबा आउ तांकर से भाव से आस्था महाप्रभुंक पाखरे प्रकट हला महाप्रभु तकु स्वीकार कले नंदकिशोरंक समय रे ए सुंदर देउळ तयारी हला जेउ देउळ रे चतुर्धा मूर्ति विग्रह प्रस्तुत हे बसिछन्ति आमर एटी समस्ते स्त्री लोक माने आमे प्राय एटी मेंबर 60 जन खंडे अछि स्त्री लोक पुओ पिला भी अछि 10 20 जन अछि 80 जन आमर एटी मेंबर सब साध्या एटी सकाळ करा जाय तापर हनुमान चालीसा पंचदश अध्याय करी भागवत पढ़ी आमे जाऊ तापर ठाकुर पूजा पूजी जा हुंती पुणी संध्या बेले आमर 5टा बेल 6टा बेल को आमर हुए आळती आळती बेले आमर सेमती स्वाध्याय का होई कि कट कट होई कि हुए ऊर्ध मूल मद साख्य मस्त पाऊर भयं संध्या शीर सपन्नानी जस्तं वेद स वेदविद अद सद प्रसुदास शाखा गुण प्रबुद्धा विषय प्रभाला अद समूलान संततानी क्रमानुबंधी मनुष्य लोके न रूपम सय तथप लभ्यन्ते न तो न चादी न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेण सुविमूढ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्ता तत्पदतं परिमार्जितव्यं श्री जीव मानंकर भव्य दर्शन तो आपण माने करुथिबे महाप्रभुंकर ए जो सुंदर मुखकांति ए सुंदर मुखकांति को देखी मन भितरे प्रश्न आसिला महाप्रभु इति सुंदर इति उज्ज्वल केमिति देखा जाउचंति अंचलवासी कहिले एबे एबे परा महाप्रभु नवकळेवर हिचंति अरे बड़ विचित्र कथा नवकळेवर समय यदि श्रीक्षेत्र पुरीर अनुसरण रे करा जाय तेबे ता 2015 मसीहारु गत ही सारिछि सुकिंदा अंचलवासी कहिले महाप्रभु आमर एठी बसिलेणी 1703 मसीहारु हिसाब पत्र कले ढेर वर्ष बीतीगलाणी 320-21 वर्ष महाप्रभु को जेतेले आमे रथयात्रा रे पहुंडी करी नबू तांको भुज दोहलु थाए आम भितरे खूब दुख आसे विशेष करी वर्तमान रो जे राजा अछंती से कहंती मु दुखरे म्रियमाण हे प्रभु को पाखरे
निजक अर्पण कर व्याकू हो प्रार्थना करे महाप्रभु आपणकर नवकलेवर ही नूतन दारू विग्रह प्रस्तुत हंतानी किंतु कौन करवा विधि विड़म्बना वर्तमान राजा हाथ में आज क्षमता ना सरकार बहादुर निज हाथ में क्षमता रखिंट तेणु अंचलवासी स्वर राजा स्वर मिलित हो श्रीमंदिर प्रशासन पाखे पहुँचे एवं सुभद्रा माँ बाड़ग्राही रामचंद्र दास महापात्र से नेतृत्व नियंती 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर 29 तारीख में महाप्रभुंकर सुंदर वैदिक जागिक वनजाग पद्धति दारू संग्रह ठारु आरंभ करी यज्ञ विधान पर्यंत सकल कार्य एठी निर्वाह होई महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र आसीथिबा महारण मानक द्वारा प्रस्तुत होई श्रीक्षेत्र आसीथिबा पुरोहित मानक द्वारा महाप्रभुंकर दिव्य रत्न सिंहासन विजय नीति अनुष्ठित होई धमो तो धमो नीला चलो धमो नमो तो नमो जगन्नाथ नमो मोरे पद देले से नाम रे हजी गले नै परिबनी जम मंदिर टी खूब सूक्ष्म कारुकार्य संपन्न न हेले मध्य ए त्रिरथीय शैली रो मंदिर ए मंदिर टी रे आपण माने मुख्य मंदिर विमान मुखशाला आउ जगमोहन को दर्शन करिवे जगमोहन टी मध्य त्रिमुंडी मंदिर रूप रे प्रस्तुत करा जाय छ अर्थात यार तीनोटी मस्तक आपण जगमोहन दर्शन करिवे मुख्य मंदिर रे श्री श्री गरुड़जी महाराज अछंती एवं तांकर दक्षिण आउ बाम को दुईटी घर प्रस्तुत होइछि जेमिति आमे श्री मंदिर रे महाप्रभुंकर चलंती विग्रह मानंकु दक्षिण घरे रखि थाए एवं जानी यात्रा उत्सव रे सेमाने सेठु विजे करंती सेही नीति मध्य एठी अनुष्ठित हुए वर्तमान मु इठी महाप्रभुंकर से घरे छिड़ा होती जो घरे महाप्रभु मानकर श्री विग्रह और चलंती विग्रह परिपूर्ण ही रही अनेक शिला शालग्राम अच्छा दारुमय विग्रह महाप्रभु गजानन अच्छा गणेश भगवान दारूर एड़े बड़ सुंदर मूर्ति आपण कुत्रा भी दर्शन करेंगे ये अच्छा श्रीकृष्ण भगवान सुंदर अपूर्व धातव विग्रह आंठुआ गोपाल अच्छा अनेक गुड़िए कुनी 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 ठाकुर विग्रह रही अंचलवासी कहते आम ठाकुर एठू विजे कला बेलू जी यज्ञवेदी कर्ता होता था अक्षय तृतीया समय सहित आनंद तो पलाती कितु यज्ञवेदी पुणी ये घर को विजे कला बेले महाप्रभु को सेठ हलैवा काठिकर पाठ हो जाए अनेक मिशी एकत्रित भावे महाप्रभु को टेकी टेकी तोड़ी तोड़ी एटी आनंदी ये आम जगन्नाथ मंदिर परिसर में रघुनाथ मंदिर अच्छे जगन्नाथ प्रभु स्नान मंडप अच्छे यज्ञ मंडप अच्छे जो कि अक्षय तृतीय आम यज्ञ तीन दिन हुए ये आम प्रभु मान कूप अच्छे जो पा पूजा जाए रजा मंडल रोष अच्छे आम ए झूल मंडप था भग्न अवस्था या करुणा हेले ए दुनिया रे हुए नाही केही पराजय दयामय दयामय सुकिंदा गडरे महाप्रभुंकर सिंहद्वार रे बसी मोर मने पड़े 1866 मसीहार कथा नंक दुर्भिक्ष हाओन्न बोली चारियाडे चित्कार पड़ी थाए आपण माने जानिथिबे जगन्नाथ महाप्रभुंकर 60 पौटी कथा विशाल दियंक विशाल पेट आउ विशाल पेट पाई विशाल नाट गजपति रजा समस्त गडजात अंचल रजा मानू डाकिले गोटे बैठक अनुष्ठित हला महाप्रभुंकर ए विपरीत स्थिति रे नीतिकांति महाप्रसाद सेवा हबो केमिति सुना जाए से समय रे तदांतिन गडजात अंचल रजा माने पछघुंचा देले किंतु एई सुकिंदा अंचल प्रतिनिधित्व करुवा रजा नंदकिशोर से हृष्टचित्तरे कहिथिले एक बर्षर महाप्रसाद नीतिकांति पाई मु समस्त द्रव्य जोगे सगड़े सुकिंदारु धाड़ी लगला श्रीक्षेत्र पर्यंत धान चाउल आउ अमाप द्रव्य महाप्रभुंकर महाप्रसाद नीतिकांति पाई समय टलीगला गजपति रजा आनंदरे पचारिले आपण महाप्रभुंकर एते बड़ सेवा कले आवश्यक समय रे कौन आवश्यक कहतु
राजा कहिले जदि सतरे आपण किछि दबाकु चाहुचंती तेबे श्रीक्षेत्रर परिसीमा भितरे मते 4 डिसिमिल जागा दियंतु। 4 डिसिमिल जागा नै पश्चिम द्वार पटु भितर बेढ़ारे सुकिंदा राजा प्रतिष्ठा करिथिले श्री श्री गोपीनाथ जीवंकर मंदिर। सुकिंदा गोपीनाथ जीव बोली से मंदिर उपरे लेखा थाए। आपण पश्चिम बेढ़ारे व्याघ्र द्वार दे यदि प्रवेश करिवे भितर द्वार रे तेबे बाम पार्श्वरे से मंदिर को देखिवे। एबे सुकिंदा ना हटि जाइछि कागज कलम कारबार हेला बेले किंतु गोपीनाथ जीवंकर विजयस्थळी एबे भी अछि। मंदिर बेढ़ा भितरे एकक भाव रे कौनसी राजांकर एते बड़ स्वाक्षर रहिबा ये छोट कथा नुहे। मो देह थोड़े खराब होता मोर गोड़ डायबिटीज हो जाता किंतु आम सुकिंदागड़ जड़े लोक कहले तू आसे जगन्नाथ पाखकु जगन्नाथ पाखे पहुँचले तोर गोड़ सब संपूर्ण भल हो मुझे चली पार नी जगन्नाथ आसिक मौसमी माँ मंदिर फेरी आसी मु नचालिक मत मोटरसाइकेल आणले से व्यक्ति मत कह तू खाली ये जगन्नाथ को दर्शन करके जा प्रकृत में मुझे जगन्नाथ को दर्शन करके गली से लोकटी ना हूँ नवघन ओझा से मत कह नाई तुम्हें जगन्नाथ को दर्शन करले तुम्हें सब दिन ठाकुर को डाकुच निश्चय जगन्नाथ तुम गोड़ भल करदे किंतु डाक्तर मत कही मो गोड़ कटा हे कि जगन्नाथ जो मो गोड़ी भल हो गला।